हेलो गाइस, वेलकम टू सुमित टेक्निकल चैनल। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी एटीएम कार्ड की पिन भूल गए हैं तो आप दोबारा जनरेट कैसे कर सकते हैं कुछ ही समय में। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल ही मिस ना करें। मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना ब्रांच या बैंक जाएं अपने एटीएम पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल ही मिस ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आसपास किसी भी नज़दीकी एटीएम में चले जाना है। एटीएम में जाने के साथ आपको अपना अकाउंट नंबर एंड जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है आपको उस मोबाइल को भी अपने साथ में ले जाना है। इसके बाद आपको अपने कार्ड को एटीएम मशीन में लगाना है, जैसे मैं लगा देता हूँ। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा कि आप अपने एटीएम कार्ड को पूरी प्रोसेस के पहले ना निकालें। इसके बाद आपके सामने चूज़ करने के लिए कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर नीचे पिन जनरेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे एक कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर योर 11 डिजिट अकाउंट नंबर। आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहां पर कंफर्म लिखा दिखेगा, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहां पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर लिखा आ जाएगा प्लीज इंटर योर मोबाइल नंबर। आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपका बैंक से लिंक हो। इसके बाद आपको यहां पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दी गई है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने कार्ड को ATM मशीन से बाहर निकाल लेना है और अपने मोबाइल को ओपन करना है। बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों की एक OTP आएगी जो यहाँ पर इंग्लिश के 4 वर्डों में शो होगी। आपको इसी अंकों को अपने ATM में इंटर करना है। यह OTP 24 घंटे के लिए मान्य होती है। 24 घंटे के अंदर आप इस OTP से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। आपको अपने ATM को दोबारा ATM मशीन में डालना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैंकिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप यहाँ पर 1199 के बीच में कोई भी 2 अंक डाल दें। इसके बाद आपको यहाँ पर OTP वाला पासवर्ड डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1517। आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से पिन चेंज पर क्लिक कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर योर न्यू पिन। आप जो भी पिन बनाना चाहते हैं यहाँ पर इंटर कर दें, लेकिन पिन ओनली 4 अंकों की होनी चाहिए। आप यहाँ पर 4 अंकों की पिन डाल दें। इसके बाद आपको न्यू पिन को यहाँ पर दोबारा डाल देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि आपकी पिन सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है या सक्सेसफुली बन चुकी है। इस तरह से अगर आप पिन भूल गए हैं तो दोबारा आसानी से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।